ओके सो हाय गाइस, तो चलिए एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का अपनी यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है नेट मैकेनिक्स। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक यूट्यूबर के लिए ना सबसे बड़ा दुख क्या होता है, जो अभी मेरे साथ हुआ है काफ़ी दिनों के बाद, कि जब आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, ठीक है, एंड जब वीडियो फिनिश हो जाता है एंड जब आप वीडियो एडिट करने के लिए बैठते हो तो पता चलता है कि आपका ना ऑडियो ही रिकॉर्ड नहीं हुआ है। एंड ये चीज़ मेरे साथ अभी दो बार हुआ है। मैं अभी ये शूट कर रहा हूँ, ये वीडियो लेट आएगा अगर आप लोग देख रहे हो तो, ठीक है, या फिर हो सकता है कि सुबह में मैं डालूँ, ठीक है। दो बार ये हुआ और जब मैं तीसरी बार ये शूट करने के लिए बैठा तो मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, ठीक है। एंड अभी दोस्तों मेरा फ़ोन 27% चार्ज हुआ है, तो मैं अगेन शूट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो अपने भाई के मेहनत को अप्रिशिएट करो और वीडियो को लाइक करो, लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है। फिलहाल आज की इस वीडियो में आपसे बात करने के लिए आप लोगों के ओल्ड पबजी मोबाइल के बारे में, ओल्ड एरेंगल के बारे में, ठीक है। मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप लोगों का ओल्ड एरेंगल जो हो सकता है कि आने वाले टाइम में आ जाए, और ये सारे रूमर्स चल रहे हैं अभी मार्केट में, एंड हमने भी आपको इसके बारे में बताया था, ठीक है। तो काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि भाई इसके बारे में अगर और कोई इन्फॉर्मेशन है तो बताओ, तो यही इसी के बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कस करने के लिए आया हूँ। आप लोग मेरे को कमेंट करके बताना कि क्या आप लोग ओल्ड एरेंगल सच में वापस चाहते हो, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के कमेंट देख रहा था, लोग कमेंट कर रहे थे कि ओल्ड एरेंगल इज़ इमोशन, ओल्ड पबजी मोबाइल इज़ इमोशन, इस तरीके के कमेंट आ रहे थे। तो भाई बताओ कमेंट करके कि सच में तुम लोग चाहते हो, देखना चाहता हूँ मैं। तो आप थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, अगर कोई नया व्यूअर आया है तो उसको समझने में आसानी हो गया। मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था कि भाई यहाँ पे जो साइनऑक है पबजी पीसी के अंदर, उसमें साइनऑक 2.0 को डाला गया था, जी हाँ। और जब ये डाला गया तो भाई जो साइनऑक खेलते हैं पबजी पीसी के अंदर, जो साइनऑक पसंद करते हैं उनको ना जो चीज़ें चेंजेस करी गई 2.0 अपडेट के अंदर साइनऑक के, तो भाई लोगों को वो पसंद नहीं आया, जी हाँ, जो भी पबजी पीसी खेल रहे थे। तो यहाँ पे डाउनलोड्स में दोस्तों फ़र्क दिखा, उसके बाद ग्राफ भी दोस्तों गिरा, तो यहाँ पे जो है वो पता चला डेवलपर को कि भाई ये चीज़ें चल रही है। तो वो जो दोस्तों आप लोग का अभी पबजी पीसी के अंदर जो अपडेट आने वाला है 17.1 का था, उसमें आप लोगों को दोस्तों जो आप लोग का ओल्ड साइनअप है ना वो आपको वापस देखने के लिए मिलने वाला है। तो यहाँ से ये चीज़ें स्टार्ट हुई थी, तो भाई हम लोगों ने भी इस तरीके से आपको बताया कि चीज़ें हो सकती है कि आप लोगों को पबजी BGMI के अंदर भी जो ओल्ड एरेंगल है वो देखने के लिए मिल सकता है, जी हाँ। क्योंकि आप लोगों को पता है कि पबजी मोबाइल के अंदर जो वो एरेंगल 2.0 चल रहा है पबजी BGMI के अंदर, और एक साल हो गया इसको आए हुए, एंड काफ़ी सारे लोगों को पसंद नहीं है, काफ़ी सारे लोग नहीं खेलते हैं, एंड काफ़ी सारे लोग अभी जो करंट टाइम में गेम खेलते हैं ना वो या तो RP मिशन के लिए या फिर यहाँ पे कोई इवेंट वगैरह कंप्लीट करने के लिए, पहले की तरह भाई अब गेम ही होता कहाँ, जब भाई 4-5-6 घंटा निकल जाता था कैसे पता ही नहीं चलता था गेम खेलने में। तो भाई अभी वो वाला वाइब भाई एक तरीके से मर ही गया है, आप लोग इतना मान के चलो, ठीक है। तो भाई अभी यहाँ पे कुछ और दोस्तों जो मार्केट में ना प्रूफ निकल के आए हैं, जो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, जो कहीं ना कहीं उसी तरफ इशारा कर रही है कि हो सकता है कि आने वाले टाइम में आप लोगों को पबजी BGMI के अंदर जो वो आप लोगों का ओल्ड एरेंगल या फिर आप लोगों को ओल्ड पबजी ही वापस देखने मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं एक प्रूफ दिखा देता हूँ जो अभी आप लोग अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हो। तो ये दोस्तों ना पबजी PC के अंदर से ही लिया गया, आप लोग देख पा रहे हो कि एरेंगल का ही है, ठीक है। एंड शायद दोस्तों पबजी PC के अंदर एरेंगल 3.0 ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। एंड अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे भाई जो है वो बोले तो आप लोग देख पा रहे हो कि स्क्रीन पे आपको दिखता होगा फोटो में कि भाई यहाँ पे ना आप लोगों का ओल्ड एरेंगल दिखता होगा आप लोगों को, ठीक है। और ये हमारे एक साथी यूट्यूबर ने ही डाला है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों जो है वो यहाँ पे ये चीज़ें देखी गई, स्पॉट करी गई है पबजी PC के अंदर। तो ये कहीं ना कहीं ये भी इशारा करती है कि पबजी PC के अंदर भी जो है वो आप लोगों का जो ओल्ड एरेंगल है, जो ओल्ड पबजी है, वो आपको देखने के लिए मिल सकता है। एंड आई डोंट नो व्हाई ये कॉल आ रहा है, मैं कॉल को कट करता हूँ। तो यहाँ पे अगर घुमा फिरा के बात करूँ तो मे भी हो सकता है कि आने वाले टाइम में जैसे कि साइनऑक 1.0 को डाला जा रहा है गेम के अंदर, तो हो सकता है कि आप लोगों को पबजी PC के अंदर भी दोस्तों जो है वो आप लोगों का जो बोले तो भाई एरेंगल 1.0 है वो आपको देखने के लिए मिल सकता है। कहीं ना कहीं हिंट है भाई, आपको पता है कि जब भी पबजी BGMI वाले कुछ करते हैं ना गेम के अंदर इंप्लीमेंट करते हैं तो इससे रिलेटेड ना टीज करते हैं पहले ही अपने फैंस को, जी हाँ, कि ये चीज़ें जो है वो होने वाली है। तो हो सकता है कि आपको पबजी PC के अंदर एरेंगल 1.0 देखने के लिए मिल जाए आने वाले टाइम में, एंड हो सकता है कि आपको दोस्तों पबजी BGMI के अंदर भी आने वाले टाइम में फ्यूचर में देखने के लिए मिल जाए आने वाले कुछ नेक्स्ट अपडेट के अंदर, जी हाँ। तो ये दोस्तों न्यूज़ निकल के आ रही है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों को एक और बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ, ठीक है। एंड ये चीज़ें दोस्तों पबजी मोबाइल ने अपने ऑफिशियली डिस्कॉर्ड सर्वर पे डाला था, जी हाँ, और अपनी वेबसाइट पे भी मेंशन किया था, एंड बाद में इस चीज़ को दोस्तों जो है वो हटा लिया गया, रिमूव कर लिया गया। एंड इसके ऊपर जब मैंने रिसर्च किया, पता करने का ट्राई किया, तो मेरे को पता चला कि ये ना 100% रियल था, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों एक फोटो दोस्तों डाली गई थी पबजी मोबाइल की ऑफिशियल वेबसाइट पर डिस्कॉर्ड सर्वर पर। तो यहाँ पे आप लोग डेट अगर देखोगे ना तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कल का डेट है 20/4/2022, एंड यहां पे लिखा गया कि पबजी मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन अपडेट, जी हाँ।
तो यहाँ पे बेसिकली इसमें ना काफ़ी सारी चीज़ें लिखी गई जो आप लोगों को जान लेना समझ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे पहले लिखते हैं कि टू स्टार्ट वी वांट टू अपोलोजाइज टू अवर कम्युनिटी फॉर नॉट बीइंग एबल टू मीट योर एक्सपेक्टेशन सिंस फ्यू मंथ अवर टीम इज नोटिसिंग दैट पबजी मोबाइल इज फेसिंग lot of problem feedback from all of you and when our team reviewed it we came to know that a lot of glitches and bugs have come in the game and mostly this problem is being seen in AOS devices। जी हाँ, AOS बोलो तो Android operating system, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, so we are very happy to inform you that very soon PUBG Mobile will an update which will make our game fully optimized due to which all the issues that are coming in our game will be solved। Work is currently underway, ठीक है, on this update and very soon this update will be come to all your AOS devices, ठीक है। We apologize again for disappointing our community, we will continue to listen our community and work hard to make your experience on battlegrounds better। जी हाँ, तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि भाई हम लोग जो है वो आपके जो Android devices है ना, ये सिर्फ और सिर्फ Android device के लिए, iOS वाले खुश मत होना, ठीक है। तो ये लोग जो है वो बहुत अलग लेवल पे जो वो आपके गेम को ऑप्टिमाइज करने वाले हैं, जी हाँ, और बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। जितने भी लो एंड डिवाइस में गेम सही से नहीं चलता है, तो लो एंड डिवाइस में भी दोस्तों आप लोगों का बहुत अच्छे तरीके से गेम वर्क करेगा, जी हाँ, ये आ जाने के बाद, ठीक है। फिलहाल दोस्तों ये ऑफिशियल अपडेट है, ठीक है, आप इसको ऑफिशियल अपडेट मान सकते हो। और अभी इन्होंने पोस्ट को डिलीट कर दिया, मैंने बहुत कोशिश किया खोजने का बट मेरे को नहीं मिला, तो हमारे एक भाई ने डाला था इसको, तो मैंने आपको ये दिखा दिया, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये भी आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, ठीक है, कि आने वाले टाइम में जो भी लो एंड डिवाइसेज है तो उनको यहाँ पे गेम को खेलने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा अटकता है, आप सभी लोग जानते हो, बहुत ज़्यादा लैग करता है। एंड यहाँ पे जितने भी हाई एंड डिवाइस है एंड्रॉयड, तो उसमें भी बहुत ही अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज़ कर देगा, वेल ऑप्टिमाइज जिसको बोलते हैं, वो आपका गेम हो जाएगा। तो ये कुछ अपडेट था जो मेरे को आपको बताना था। तो आप लोग मेरे को कमेंट करके बताओ कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले टाइम में आप लोग को ये चीज़ें दोस्तों चेंजेस होती भी दिख जाएगी, एंड इससे रिलेटेड आगे भी कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको मेरी वीडियोस के थ्रू बताऊंगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड भाई चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। मैं आपसे मिलूंगा किसी न्यू एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे एंड बाय।